हाय फ्रेंड्स, दिस इज केली शिवम। आज का हमारा वीडियो का टाइटल है, क्या सुसाइड ही हल है सारे प्रॉब्लम्स का, राइट? तो ये लेट्स डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि अभी जो आयशा का जो टॉपिक चल रहा है पूरे इंडिया में, देश विदेश में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, राइट? तो यहाँ बहुत जरूरी है इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना। सुसाइड, क्या लगता है सुसाइड हर चीज का सॉल्यूशन बन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है? नो। खुदा ने हमें ऐसे क्वेश्चन में भेजा है जहां तरह तरह के फूल होते हैं। खुदा ने हमें ऐसे गुलशन में भेजा है जहां तरह तरह के रंग बिरंगे फूले हैं। क्या एक फूल मुरझाने की वजह से हम गुलशन छोड़ देंगे? नहीं दोस्तों, हम जिंदगी से लड़ेंगे। जिंदगी खुद एक संघर्ष, लाइफ इट्सेल्फ इज अ स्ट्रगल, लाइफ इट्सेल्फ इज अ स्ट्रगल। लेट्स स्टार्ट इट। जब हम दुनिया में आते हैं, हमारा संघर्ष वहीं से शुरू होता है। जब हम दुनिया में आए, हमारा संघर्ष वहीं से शुरू होता है। जब हम दुनिया में पहली सांस लेते हैं तो वो सांस लेने का संघर्ष होता है। लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रीथिंग स्ट्रगल। यस, जो पहली सांस के लिए जो बच्चा स्ट्रगल करता है वो हमारा पहला संघर्ष है। एज ए टॉडलर हम गिर के उठते हैं फिर भी चलने की कोशिश करते हैं, वो हमारा दूसरा संघर्ष है। एज ए चाइल्ड हम खुद को काबिल बनाने का संघर्ष करते हैं, तो इसके लिए पढ़ाई, खेल कूद, राइट, तरह तरह के परीक्षाएं देते हैं और खुद को काबिल बनाने की कोशिश करते हैं। और एज ए यंगस्टर हम इस काबिलियत को संवारने की कोशिश करते हैं, अच्छा जॉब, अच्छा प्रोफाइल बना के। फिर इसके बाद इस सफर में, एक लंबे सफर में, एक हम सफर हो तो अच्छा हो, सो दैट ये जो लंबा सफर तय हो, इसलिए हम एक हम सफर ढूंढने का संघर्ष करते हैं। जब हम सफर मिल जाता है तो इस सुंदर दुनिया को संवारने की कोशिश करते हैं। और दुनिया जब संवर जाती है इस दौड़ वाली दुनिया में, दौड़ते दौड़ते जब थक जाते हैं तो आराम के लिए संघर्ष करते हैं। और जब हम इस आराम की दुनिया में आते हैं तो फिटनेस से संघर्ष करते हैं। और जब हम मौत के गद्दे पे लेटे होते हैं, जब हम मौत के बेड पे लेटे होते हैं, तब जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। तो जीवन संघर्ष शुरू होता है और संघर्ष खत्म होता है। तो जीवन को खत्म करना ये आपके हाथ में नहीं है। जीवन खुद शुरू हुई है, खुद खत्म होगी, राइट? जीवन जीने के लिए है, खत्म करने के लिए नहीं बढ़ती। जिंदगी के सफर को तय करने के लिए एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा हम सफर की जरूरत है। एक पति, एक घर वाला नहीं है। Try to look for a friend, a partner who can walk with you, not walk through you. आपके ऊपर से चल जाए, आपको रौंद के चले जाए, वो क्या पति हो सकता है? वो क्या एक अच्छा दोस्त बन सकता है? तो बहनों, हिम्मत। और आरिफ जैसे कायरों के लिए एक मैसेज है, आप अगर अपने बलबूते पे खड़े नहीं रह सकते हैं तो भीख मांगो, जाके चौराहे पे, मंदिर और मस्जिद के चौकट पे बैठ के भीख मांगो। क्योंकि आपसे तो एक भिखारी अच्छा है जो मुंह खोल के भीख मांगता है, लेकिन आप जैसे कायर लोग दहेज के नाम से भीख मांगते हो। मर जाओ, चुल्लू भर पानी में मर जाओ। सारी बहनों से विनती है, उन अच्छी चीजों को फॉलो करो। आयशा ने जो गलती की, आयशा ने जो हार स्वीकार किया, आयशा ने जो अपनी जिंदगी को सौंप दी, उसे देख के आपको हार नहीं मानना है। अभी आयशा के मरे 2 दिन भी नहीं हुए, फिर एक तापी नदी में और एक बहन खड़ी है सुसाइड करने के लिए। क्या कर रहे हो आप लोग? सोचो ऐसे डिसीजन लेने से पहले
कि क्या बीतती होगी तुम्हारे माँ बाप पे। अपने पिताजी के बारे में सोचो, उन्होंने आपको पाला पोसा, इतना प्यार किया, एक राजकुमारी बना के रखा, आप जो मांगो वो दिलाया है अपने पिताजी ने, और क्या दे रहे हो वापस में? जिंदगी भर का रोना नहीं भाई, आपको उन लोगों के लिए जीना है, जीने के बहुत जरिए हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपनी ये जिंदगी नहीं जी सकते हैं, तो कोई समाज सेवा में लग जाओ। अगर वो नहीं कर सकते तो अपने माँ बाप के लिए जियो, लेकिन जियो जिंदगी को अंत तक देखो, उसी का नाम है जिंदगी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।